हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। जैसे कि मैं वीडियोस आपकी जो भी आपने डिमांड की थी उसकी कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर टाइम पे आपको देने की। तो ये आज हम टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन मॉडर्न सोसाइटी, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा तभी आपको, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं हम नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, इस वीडियो में मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डेफिनेशन या मीनिंग इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इनके डिफरेंस को भी और इनके डेफिनेशन मीनिंग को भी, ठीक है। तो हम सीधा इसके नेचर पे आते हैं। देखिए, जो गाइडेंस है वो अगर हम नेचर से बात करें, ठीक है, तो इसको हम पहले तो ये टू फोल्ड एक्टिविटी होती है और इसका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि बच्चों को सेल्फ ओरिएंटेड बनाना, वो अपने खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं और उनके अगर कोई दो या तीन या बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत से पाथ हैं, तो उनमें से कौन सा उनके लिए बेस्ट सुटेड होगा उसको वो चूज कर पाएं, ठीक है। तो जो ये टू फोल्ड एक्टिविटी है उसमें फर्स्ट क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, अपने बिहेव पैटर्न को, अपनी स्किल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी मोटिव्स को, मीन्स सेल्फ एनालिसिस कर सके, ठीक है। और जो सेकंड क्या है कि अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, कि वो किस इन्वायरमेंट में अच्छे से बिहेव कर सकता है या कैसा इन्वायरमेंट उसको चाहिए, और अगर उसका इन्वायरमेंट उसके नेचर के अपोजिट है तो उसको उस इन्वायरमेंट में किस तरह से सफ़र करना है। इट डजंट मीन दैट ही विल लीव दैट इन्वायरमेंट, बट ही विल हाउ ही कैन मैनेज इन दैट इन्वायरमेंट, ओके। तो जो ये नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है कि एक पर्सन को टू फोल्ड एक्टिविटीज़ के लिए प्रीस्पोज करके चलता है कि एक उसकी एबिलिटीज़ का, आपके इंटरेस्ट का, बिहेवियर पैटर्न का, अचीवमेंट्स का अप टू डेट रखना, ठीक है, जो कल्चर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसका, उसकी नॉलेज करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, और सेकंड जो उनका इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी उनका इन्वायरमेंट है और कोई भी एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसको ऑफर की जाती हैं वो उस इन्वायरमेंट में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर इट इज़ मस्ट दैट ही हैज़ टू अटेंड इन दैट इन्वायरमेंट, देन हाउ बेटरली कैन ही सर्वाइव, ओके। सो गाइडेंस मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग दिस टू टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो दैट दे बिकम इम्ब्यूट विद अ न्यू मीनिंग इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प्स द यूथ टू सी क्लियरली फोर थिंग्स एनालाइज करने में हेल्प करता है, वेयर ही हैज बीन, वेयर ही इज नाउ, वेयर ही इज गोइंग एंड वट ही हैज विद विच टू गेट देयर, ठीक है, वो क्या था, क्या है, क्या वो होना चाहता है या क्या वो बनने जा रहा है, एंड वट ही हैज विद विच टू गेट देयर, और वो वहाँ पे कैसे जाएगा, ठीक है। सो नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैन बी डिफाइंड एज हेल्पिंग पीपल टू मेक चॉइसिस, जब उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो या अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स हो तो उसको में से किसको पहले चूज करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, एनीबडीज हेल्प, ठीक है, अपने वोकेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, और किस तरह से वो उसकी लाइफ में जो उस टाइम पे सिचुएशन है उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है, कि उस अगर किसी पर्सन का साथ उसको नहीं पसंद, ठीक है, कोई उसका कलीग है, कोई उसका क्लासमेट है जिसके साथ उसको प्रोजेक्ट दे दिया गया तो बट ही डोंट वॉन्ट टू डू विद दैट पर्सन, बट स्टिल हाउ ही कैन एडजस्ट, ही और शी कैन एडजस्ट टू डू दैट प्रोजेक्ट कम्प्लीट, ठीक है। मतलब ये एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि जो पर्सन आपको पसंद नहीं है या फिर भी आपको फोर्सफुली कोई काम करना पड़ रहा है तो आप किस तरह से उसको कर सकते हो, उस लिए उसको गाइड करना, तो उसको अपने लिए अंडरस्टैंडिंग करवाना कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो वर्क कर सकता है। नो देयर पोटेंशियलिटीज, एक्वायर मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस और टेंशन फ्री लाइफ वो किसकी होती है, किसी की भी नहीं होती, या उन सब पर्संस की होती है जो उनके पास, जिसके पास जो है उसमें वो खुश रहता है। सपने सबके बड़े होते हैं, ठीक है, बट एक पर्सन टेंशन फ्री कब होता, कौन सा होता है, जो अपनी सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, ठीक है। सो नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है कि उस किसी भी पर्सन को
इतनी अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करना सिखाना कि वो उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करनी है। वो प्रॉब्लम उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, वोकेशनल, एजुकेशनल या कोई भी हो सकती है, ठीक है। कैसे टेंशन फ्री और बैलेंस्ड लाइफ रहना है, ठीक है, विद फुल सेटिस्फेक्शन अंडर द सर्कमस्टांसिस, टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन द अकॉर्डिंग द एबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज। आप अपनी पोटेंशियलिटीज के अकॉर्डिंगली ही उनको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सो दिस वॉज माई सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। आपको आपका जो भी कंटेंट चाहिए आपको मिल गया होगा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाना, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।